नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हैं इंड्रॉइड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा आपकी लाइफ के लिए कि कुछ किस प्रकार आपको कुछ रूल्स क्या है फॉलो करने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने कुछ ना कुछ प्लान करा होगा कि मैं ये करूँगा, मैं ये बनना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ इस प्रकार का करना चाहता हूँ, और उसी बीच में कुछ आ गए होंगे चार लोग, यानी कोई भी हो सकते हैं, आपके घर के फैमिली, टीचर, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। वो बोलेंगे कि यार भाई ये क्या है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि ये तो हर कैसा ही आइडिया है, ये क्या है, इसका मतलब क्या, तुम तो कुछ भी सोचते हो, इस प्रकार के उनने बोला होगा और आपके वहीं सपने हो गए होंगे चूर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है, हमें क्या करना, नेवर गिव अप। यानी अगर हमने किसी काम को ठान लिया, यानी मुझे उस जगह तक जाना है तो मैं उस जगह तक जाते ही रहूँगा, चाहे उसमें 100 मुश्किलें के हज़ारें मुश्किलें जाएँ, लेकिन मुझे वहाँ तक जाना है, यानी जाना है। आपको फिर मना करे कोई भी, क्योंकि लोग आपको चाहते हैं पीछे खींचने के, आप उस जगह तक नहीं जा। अगर आज अब आपकी क्लास में बात करें, अगर आपके क्लास का जो टॉपर है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको नहीं बताएगा, वो खुद के देगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उस जगह तक रहूं और इसे आगे नहीं जान दूं। वो आपको पीछे खींचते हैं और वो आपसे ज़रूर पूछ लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस जगह तक नहीं जाएँ। तो आपको सबसे पहला काम है नेवर गिव अप। आप एक बार उसमें पेशेंस, अब दूसरी बात आती पेशेंस। हम क्या सोचते हैं रातों रात में कुछ अमीर बन जाए, ऐसे कोई ट्रिक आ जाए कि हम रातों रात बन जाए, यानी हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा पेशेंस। आपको मैं बता दूँ, ये शायद आपने सुना भी होगा टेक्निकल गुरुजी की वीडियो में, ये वाला जो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो एग्जांपल है वो है चाइना का बेम्बू ट्री। यानी चाइना का बेम्बू ट्री एक ऐसा बेम्बू ट्री है जिसको आप लगा देते हैं, आप 1 हफ्ते पानी डाले उसमें, 2 हफ्ते पानी डाले, 3 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 5 साल तक उस पौधे के अंदर कुछ भी नहीं होगा। आपको ये भी नहीं पता है कि मिट्टी के अंदर वो पौधा अभी भी जिंदा है, आपको ये भी नहीं पता है उसके अंदर आप पानी क्यों डाल रहे हैं। और 5 साल बाद, यानी आपको वो पौधा जो है 5 साल तक का पेशेंस कराएगा, यानी आपको रुकना है 5 साल, और 5 साल के सिर्फ 1 या 2 हफ्तों के अंदर वो 1 फीट से पूरे 90 फीट तक चल जाएगा। यानी वो पेशेंस आपको चाहिए। अगर आपको पेशेंस मिल गया तो बहुत ही बड़ी चाबी है ये। अगर आप आज सोचते हैं कि आज मेरे 90% बने, तो ऐसा नहीं है कि आज ही बन जाएंगे, इस साल नहीं, अगले महीने बनेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में आपको, यानी उसमें मेहनत करते रहना है। दोस्तों, तीसरी बात है, हमें इतनी सी बात में सेटिस्फाई नहीं होना है। यानी क्या होता है कि अगर आज आप सोचते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और आप सोचते हैं कि इतनी मेहनत मेरे से तो वो नहीं हो पाएगा, इतना वो करना है, इसमें कैसा होगा, 90% के लिए मुझे रात दिन पढ़ाई करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, मैं तो 70% में ही खुश हो जानता हूँ। तो दोस्तों, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो इसी के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ, ये भी एग्जांपल आपने शायद सुना होगा। तो दोस्तों, अगर आज किसी से भी बंदे से अपन पूछते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो वो सामने वाला बोलेगा कि मुझे 1-1 लाख रुपए की जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए की नौकरी पर रख सकें, या फिर 10 लोगों को ही आप 2-2 लाख की नौकरी पर रख सकें, ऐसा ही क्यों? आप क्या, आपको सोच थोड़ी ऊंची करनी पड़ी, इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम उतना ही सोचेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा, अगर हम इतना सोचेंगे जब थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। दोस्तों, चौथी जो आज बात आती है वो है, आज का काम आज ही कर लें। हम क्या है, प्लान कर लिया है कि भाई कल करना है, बिल्कुल पक्का करना है, लेकिन वो कल जो है कभी नहीं आता। हमने कहावत भी सुनी है, काल करे सो आज करे, यानी हमें कल का काम जो है आज ही करना है, क्योंकि अगर हमने आज वो काम नहीं किया तो वो कल भी वैसा ही रहेगा और वो आगे तक ही वैसा ही रहेगा, और उसकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं होगी। यानी अगर आज आपको होमवर्क मिला तो आज आप ही कर दें, या फिर ऐसा करें कि परसों का जो काम है वो भी आज कर, क्योंकि आपका जितना समय बचेगा, और जितना समय बचेगा आप उसी का उतना ही ज़्यादा उपयोग कर सकेंगे, और वो समय आपके लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।